फाउंडेशनच्या वतीने सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री आणि खुलताबाद या दोन तालुक्यांची निवड करण्यात आल्याची माहिती फुलंब्री पंचायत समितीचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी प्रकाश जोंधळे यांनी दिली आहे. फुलंब्री तालुके के अंदर पिछले साल से पहले काफी दिक्कतें थी हमारे फुलंब्री तालुके के अंदर, लेकिन पिछले साल का थोड़ा बारिश गिरने की वजह से थोड़ा बहुत हमको एक दिलासा मिला है. और उसी दौरान जो हमारे पास जलयुक्त शिवार के जो बड़े पैमाने पे जो काम हमारे तालुके में हुए हैं, उसी से कंसर्न लेकर हमारे पास जो डॉक्टर अपने अविनाश पौल साहब हमारे फुलंब्री तालुका को उनका एक विजिट हुआ था. उस विजिट के अंदर हमारे पंचायत समिति के ओर से हमने एक छोटी सी कार्यशाला रखे थे, जिसमें हमने हम सब जिला परिषद सदस्य, सामान्य हमारे पंचायत समिति सदस्य और कुछ हमारे अधिकारी वर्ग को बिठाकर हमने कार्यशाला लिया था. और उस दौरान उनकी जो क्लिप हमने देखी थी पानी फाउंडेशन की, जिस तरह से उन्होंने पानी फाउंडेशन ने जो इसके पहले के जो तालुके उन्होंने लिया था महाराष्ट्र के अंदर जो काम किया था, वो देखने के बाद हमारे जितने भी पदाधिकारी अधिकारी जो थे उनमें एक हिम्मत आ गई और एक क्या बोलते हैं जो स्फूर्ति बोलते हो आ गए कि भाई हमने उनको रिक्वेस्ट किया डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब किसी हालत में आप जो है हमारे तालुके को आप आपके इसके अंदर आप इन्वॉल्व कीजिए आपके प्रोग्राम के अंदर. तो डॉक्टर पोल साहब ने जब देखा कि बोले हम सर्वे करेंगे, हमारी टीम को हम भेजेंगे और अगर लगता है कि आपके तालुके के अंदर ये जो चीज़ होनी चाहिए उस वो हिसाब से हम आपका अवेयर करेंगे. हम हमारी ओर से दोनों वीडियो में हम सोचे कि पूरा का पूरा तालुका इसमें इन्वॉल्व करने की हमारी कोशिश है. तो ये कोशिश हम जरूर अभी हमारे सब ग्राम सेवक जो हमारी जो यंत्रणा है उनके सहकार्य से हम तालुका ये पानी फाउंडेशन से पानी की जो समस्या जो तालुका के है पूरी हम खत्म करने के हिसाब से हम आगे वाटर करने वाले हैं. तो सर, ये पानी फाउंडेशन की तरफ से पानी की समस्या को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, क्या उपाय योजना है आपके पास? इसके अंदर का मेन जो मोटो उनका है इसके अंदर पानी फाउंडेशन अंदर गवर्नमेंट का कोई भी आपको अनुदान नहीं मिलने वाला है. इसमें सिर्फ आपको जो है श्रमदान से लोगों के मदद लेके ही ये करना है. ये सबसे बड़ा उनका इसके अंदर का ये है पानी फाउंडेशन का कि आपको अनुदान नहीं, श्रमदान से ही आपको आपके गांव के अंदर आपका पानी के जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके अंदर बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स जो जो अभी सजेस्ट करेंगे वो सर्वे करेंगे. सर्वे के अंदर उस जगह जो स्ट्रक्चर वहाँ पे सूट होता है वो स्ट्रक्चर देने के बाद डेफिनेटली वहाँ का जो पानी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा.